दिल्ली में लव जिहाद पर घमासान मचा है तो दूसरी तरफ बंगाल में चुनावी घमासान रक्त रंजित होता जा रहा है। बशीरहाट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखा है। बीजेपी ने पुलिस पर हमले के वक्त मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। साथ ही नॉर्थ 24 परगना के एसपी के तबादले की मांग की गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी परिवर्तन यात्रा पर हमले की शिकायत की है। तो बीजेपी ने गृहमंत्री को एक खत लिखा है जिसमें यह शिकायत की गई है कि हमले के वक्त पुलिस मूक दर्शक बनी रही और वहां के एसपी को हटाने की मांग भी की गई है। चुनाव आयोग से भी इस बात की शिकायत की गई है। जिस तरीके से बार बार राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, बीजेपी की तरफ से गृहमंत्री को एक खत बाकायदा लिखा गया है जिसमें एसपी के तबादले की भी मांग रखी गई है। तो नॉर्थ 24 परगना में परिवर्तन यात्रा पर यह हमला हुआ है। करीब कुछ लोग जख्मी भी इसमें हुए हैं। दिलीप घोष का यह काफिला था, परिवर्तन यात्रा चल रही थी। हमले में बम पत्थर रॉड का इस्तेमाल किया गया और इस हमले का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लग रहा है। बशीरहाट में परिवर्तन यात्रा पर हमले और दिलीप घोष को निशाना बनाने के बाद बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, हंगामा किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बीच सड़क पर धरने पर बैठ गईं, यहां तक कि बीजेपी समर्थकों की पुलिस वालों के साथ बहस भी हुई। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य बंगाल के बशीरहाट में उस जगह पहुंचे जहां परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ और जाना कि हमला आखिर कैसे और किसने किया, हमले के पीछे की खूनी सियासत आखिर क्या है। रिपोर्ट देखिए आप। बशीरहाट के मीनाखा में जिस जगह हंगामा हुआ उसी जगह हम मौजूद हैं। हंगामा किस लिए हुआ, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं। दरअसल परिवर्तन रथ जो बीजेपी ने चलाया है वो टाकी से निकला था और इसी जगह पर सवा होने के लिए आ रहा था, लेकिन उसी वक्त जिस जगह बीजेपी के फ्लैग लगे हैं उस जगह टीएमसी के ये झंडे लगाए जाने लगे। कहासुनी होने लगी और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। यहाँ के जो लोग हैं उनका आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पहले झंडे लगाए, उसके बाद पथराव शुरू किया, फिर जब परिवर्तन रथ आया तो उस पर पथराव शुरू कर दिया, गाड़ियां तोड़ी गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। यहां तक कि यहां पे जहां लोग रह रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जहां घरों में रहते हैं वहां पे घरों में घुसकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा है, तोड़फोड़ की है, दुकानें तोड़ी हैं, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिसके बाद ये लोग अब इतना डर गए हैं कि अपने घर भी नहीं जा रहे हैं। और अभी फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है, पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है आखिरकार कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का पथराव किया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई और इसमें सुरक्षा की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट जहां पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, झड़प हो रही है दोनों कार्यकर्ताओं के बीच, कल शाम को जिस वक्त परिवर्तन रथ टाकी की तरफ से यहां पर आ रहा था, सभा हो रही थी, उस वक्त अचानक से पथराव हो गया। दिलीप घोष इस परिवर्तन रथ में मौजूद थे जिसके बाद हंगामा इतना ज्यादा हुआ, पथराव हुआ कि कई लोग घायल हो गए। ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने देखा है कि क्या घटना हुई थी, इनसे हम बात करते। कल किस वक्त की घटना है और क्या हुआ था, जरा पूरे इस विषय में बताइए। जब हमारे परिवर्तन यात्रा बशीरहाट से मीना की तरफ आ रहा था उसी के दौरान वहाँ पे सुबह से हम लोग सब जगह पे फ्लैग लगा रहे थे। वो लोग जोर पूर्वक वो लोग भी फ्लैग लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद बिना कारण उसका कोई परमिशन कुछ नहीं था, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था, वो लोग वहाँ पे बॉक्स लगा के बहुत सारे आदमी को इकट्ठा किया। उसके बाद जब हमारे रथ यात्रा आए थे इसी भवनपुर की तरफ, तब उन्होंने पहले ही बमबारी किया, उसके बाद पथराव किया। तब हम लोग आ रहे थे, गाड़ी भी तोड़ दिया, दिलीप घोष भी उस बार मौजूद थे वहाँ पे, गाड़ी को तोड़ दिया, गाड़ी भी जला दिया। हमारे 15 से ज़्यादा आदमी घायल है, अभी तक ट्रीटमेंट में है उस लोग। उल्टा हमारा ऊपर भी केस दर्ज कर रहा है यहाँ का TMC के कार्यकर्ता ने, उल्टा ही जुल्म कर रहा है हर दिन, हर सुबह का शाम तक जब भी हम कोई काम करने के लिए निकलते हैं हमारे पार्टी के दौरान, वो लोग उल्टा से उन लोग की तरफ से कोई आदमी इकट्ठा होके हर टाइम बार बार जो भी जब भी होता है तब भी वो लोग बमबारी, मारपीट, गाड़ी को तोड़ फोड़। आदमी अभी तक हमारे 3 आदमी मिसिंग है, अभी उसको नहीं पता कहाँ पे है वो। कल शाम के बाद 7 बजे हमारा कार्यकर्ता जलील मुल्ला और सुजाउद्दीन मुल्ला और सबीना परवीन उसका दुकान तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। उसका एक वैन है, मारुति वैन है जो परिवर्तन यात्रा में शामिल थे, उस वैन को कल रात को जाकर पूरा तोड़ दिया। बहुत बड़ी बात भी है, उस मारुति वैन चला के अपना गुजारिश करती थी